हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने 21 डेज ऑफ आईएएस कोड के डे 3 की। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आईएएस कोड के एग्रीगेट्स और स्टोन के बारे में, यानी कि कौन कौन से आईएएस कोड एग्रीगेट और स्टोन्स के लिए दिए गए हैं इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। शुरू के 7 से 8 दिन में हम लोग जितने भी अलग अलग फील्ड के इंपॉर्टेंट आईएएस कोड हैं उनको फिनिश करेंगे। जैसे कि हमने सीमेंट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, आज एग्रीगेट स्टोन्स कर लेंगे, कल आरसीसी कर लेंगे, देन स्टील, फिर हम लोग ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे, टायर्स के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से 8-9 दिन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट आईएएस कोड की लिस्ट है उसको कवर अप करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक स्पेसिफिक चलेंगे, यानी एक एक टॉपिक पकड़ेंगे और उस रिलेटेड जो भी आपके कोडर प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपका नॉमिनल कवर हो गया, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, एडमिशन्स के बारे में बात करेंगे, वर्कबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बने रहिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीगेट्स के आईएएस कोड्स के बारे में। तो हमारे सामने जो सबसे पहला आईएएस कोड है वो है हमारा IS 383, जो कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के सोर्सेस और उसके स्पेसिफिकेशन, उसके ग्रेडिंग, उसके सैम्पलिंग के बारे में हमको बताने का काम करता है, जो भी हम कंक्रीट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एग्रीगेट को 4 जोन में बांटा जाता है, यह भी IS 383 में ही लिखा हुआ है। इसके बाद एग्रीगेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट आईएएस कोड आता है, जो कि है IS 2386, जो कि लगभग 8 से 9 पार्ट्स में बटा हुआ है और अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग स्पेसिफिकेशन भी दिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो इसमें एग्रीगेट्स पर होने वाले टेस्ट के बारे में दिया गया है, जिससे हमको एग्रीगेट साइज शेप की जानकारी मिलती है। हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में के जो भी वॉलेंटियर्स हैं अगले एमपीस को इनके बताया पर रिजल्ट कितना चाहिए, हमने इनका भी रिजल्ट यूज़ है उस प्रोटीन चाहिए पर रिजल्ट वो इस पार्ट में मेंशन किया गया है। पार्ट 3 की बात करें तो कंक्रीट के जो कंक्रीट में यूज जो एग्रीगेट्स होते हैं उन एग्रीगेट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, डेंसिटी क्या होनी चाहिए, वॉइड्स क्या होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन कैसा हो, बल्किंग कैसी हो, इन सब के बारे में पार्ट 3 में मेंशन किया गया है। जैसे हमने पढ़ा है कि जो आपके इनऑर्गेनिक एग्रीगेट्स होते हैं उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.6 से 2.9 होती है, और जो ऑर्गेनिक होते हैं उनकी लेस देन 2 होती है। तो ये कहाँ लिखा है, ये आपके पार्ट 3 में लिखा गया है, ठीक है। डेंसिटी या वॉइड्स की बात करें तो हमने पढ़ा है कि जो आपके राउंडेड एग्रीगेट्स होते हैं उनमें वॉइड सबसे कम होता है, और जो आपके एंगुलर होते हैं वॉइड सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से आपके जो राउंडेड होते हैं उनकी वर्केबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, और जो एंगुलर होते हैं उनकी वर्केबिलिटी सबसे कम होती है। ये सब आपका किसमें मेंशन है, ये सब पार्ट 3 में मेंशन है। पार्ट 4 की बात करें तो जो एग्रीगेट्स कंक्रीट में यूज़ कर रहे हैं उनके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि उनकी जो क्रशिंग वैल्यूज़ वगैरह हैं, आपके इंपैक्ट स्ट्रेंथ है, इन सब के बारे में आपके पार्ट 4 में मेंशन किया गया है। देन पार्ट 5 की बात करें तो पार्ट 5 में जो भी एग्रीगेट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनकी साउंडनेस प्रॉपर्टी के बारे में मेंशन है। अब साउंडनेस प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने कल के सेशन में देखा था कि साउंडनेस किसी भी वस्तु का वह प्रॉपर्टी होता है जो कि उसमें होने वाले वॉल्यूमेट्रिक चेंज को प्रिवेंट करता है। अगर आपका कहूँ कि मैं कंक्रीट साउंड है, इसका मतलब कि उसके अंदर सेट होने बाद वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा होगा। सिमिलरली एग्रीगेट में भी समय के साथ अगर उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो कहेंगे कि एग्रीगेट हमारा एक साउंड एग्रीगेट है, ठीक है। इसके बाद आता है पार्ट 6। पार्ट 6 में हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 6 में हम लोग एग्रीगेट्स पर टेस्टिंग करते हैं ताकि को पता चले कि हम प्रॉपर्टीज हैं। हम पढ़ा में कोड यूज किया जा रहा है, मोटा और डिफिशिएंस भी है, तो ये आपके पार्ट 6 में मेंशन किया गया है। पार्ट 7 में एग्रीगेट्स में होने वाले एल्कली एग्रीगेट एक्टिविटी के बारे में जानकारी दी गई है। और अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, डोंट वरी, आने वाले सेशन एक डेडिकेटेड लेक्चर रहेगा जिसमें हम लोग एल्कली एग्रीगेटेशन और हाइड्रेशन ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आते हैं पेट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन एग्रीगेट्स के लिए किया जाता है, उसकी डिटेलिंग दी गई है। अब सवाल उठता है, ये पेट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन क्या होता है या पेट्रोग्राफिक टेस्टिंग क्या होती है? तो अगर हम किसी भी रॉक, किसी भी स्टोन, किसी भी कंक्रीट या किसी भी एग्रीगेट के ऊपर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं ताकि हमको उसके मिनरोलॉजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानकारी मिल सके, तो ऐसे टेस्टिंग को हम बोलते हैं पेट्रोग्राफिक टेस्टिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो भी स्टोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आईएएस कोड हैं, जैसे 1127। तो बेल्डिंग बनाने के लिए जो भी हम स्टोन यूज़ कर रहे हैं उसका डायमेंशन क्या हो, उसके साथ वर्कमैनशिप क्या हो, यानी कि उसको कैसे डील किया जाए, उसको कैसे काटा जाए, उसको कैसे साफ़ किया जाए, उसके आप साउंडिंग कैसे करेंगे, उसको आप सीजनिंग कैसे करेंगे, तो इन सब के बारे में IS 1127 में जिक्र है। आपने पढ़ा होगा स्टोन के जो कटिंग टेक्सचर होते हैं यही स्टोन के स्ट्रेंथ को डिफाइन भी करते हैं, ठीक है। 1128 की बात करें तो स्लैब और टाइल्स के रूप में अगर आप लाइमस्टोन को यूज़ करना चाह रहे हैं तो उनके स्पेसिफिकेशन क्या होंगे, ये आपके IS 1128 में दिया गया है। सिमिलरली मार्बल का यूज़ अगर हम ब्लॉक, स्लैब या टाइल्स के रूप में कर रहे हैं तो उसके स्पेसिफिकेशन क्या होने चाहिए, ये 1130 में दिया गया है। ग्रेनाइट का यूज़ हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए कर रहे हैं तो उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, ये 3316 में दिया गया है। ब्लॉक्स और मैसनरी, यानी कि अगर हम ब्लॉक मैसनरी के तौर पे किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, मतलब मैसनरी में हम बड़े बड़े ब्लॉक्स का यूज़ कर रहे हैं, स्टोन ब्लॉक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका डिटेल जो है वो 3620 में दिया गया है। और लास्ट में जो सबसे आखिरी आईएएस कोड है वो सैंडस्टोन के यूज़ के लिए दिया गया है। अगर मैं किसी भी सैंडस्टोन को
स्लैब या टाइल्स के रूप में यूज़ करना चाहता हूँ तो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या हो, ये 3622 में दिया गया है। तो इस लेक्चर के साथ हमने फिनिश किया कि एग्रीगेट्स और स्टोन्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट IS कोड हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ चाहिए, आपको लगता है कि नहीं सर इस टॉपिक पर एक वीडियो होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप 3 महीने का समय है, अगर आप क्रैश कोर्स के थ्रू अपने थ्योरीज को रिवाइज करना चाहते हैं, सफिशिएंट मेकर्स भी हैं, तो आप 1999 में हमारे क्रैश कोर्स को अवेल कर सकते हैं। सिर्फ 2000 रुपये में आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी, सॉरी 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी, और आप आराम से SSC GE के लिए पूरे के पूरे अपने सिविल इंजीनियरिंग कोर्स को रिवाइज कर सकते हैं। बाकी अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल हमारे ऑनलाइन कोर्स 3999 में अवेलेबल है, आप उसे परचेस करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं।